देखने में तो यह एक साधारण कार ही लग रही है, मगर इसकी खूबी जान आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, एक ओर जहाँ कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है, वहीं इस बीमारी से लोगों को बचाने में जुटे स्वास्थ्य कर्मी भी अब अछूते नहीं रहे हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य कर्मियों के मन में भी डर बना हुआ रहता है कि कहीं वो भी इस बीमारी से संक्रमित ना हो जाएं। ऐसे में औरंगाबाद जिले के एक चिकित्सक डॉक्टर जनमेजय ने सुरक्षित रहते हुए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के इलाज और जांच को लेकर अपने कार में ही सारी व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने अपने कार में खुद से ही डिजाइन कर उसे इस लायक बनाया है कि उसमें बैठकर भयमुक्त होकर कोरोना संदिग्ध का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर जनमेजय ने अपनी इस कार का नाम कोरोना वॉरियर वैन रखा है। वैन के बाहर ही सैनिटाइजर, थर्मामीटर और अन्य उपकरण लगे हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग वैन के अंदर बैठे चिकित्सक द्वारा की जाती है। वैन के अंदर से ही चिकित्सक मरीज से वैन के बाहर लगे मोबाइल से बातचीत कर जरूरी सूचनाओं को कलेक्ट कर सकता है और मरीज को आवश्यक निर्देश दे सकता है। बताया जाता है कि स्वाब स्टिक से जांच के दौरान ही चिकित्सक में संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन इस वैन में रहकर स्वाब स्टिक से मरीज के मुंह के अंदर की स्थिति को भी बिना किसी खतरे के जांच कर मरीज के कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि की जा सकती है। गौरतलब है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश का यह पहला मोबाइल वैन है जो चारों तरफ घूम घूम कर संक्रमित या संदिग्ध मरीजों का डेटा कलेक्ट कर सकता है और लोगों के ब्लड सैंपल ले उसे जांच के लिए लैब भेज सकता है। बहरहाल आज के मौजूदा समय में ज़रूरत है ऐसे ही कई कोरोना वॉरियर वैन की, जिससे पूरे देश के चिकित्सक सुरक्षित रहते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किसी कर भी सकें। पाकर अपने हाथों को सैनिटाइज करें, यानी अपने हाथों पर केमिकल लेकर उसको साफ करें और फिर हरा बटन दबाकर मोबाइल का बात करें। गाड़ी के समीप आकर अपने हाथों को सैनिटाइज करके मोबाइल के हरे बटन को हेलो, हाँ हेलो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश हुआ। आनंद जी, कितना उम्र होगा तकरीबन आपका? मेरा उम्र अभी 21 साल है। आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी अहरी से आ रहे हैं। और अभी आपको कोई वर्तमान में कोई तकलीफ है? हाँ, थोड़ा सर्दी खांसी है और हल्का सर में दर्द जैसा लग रहा है और थोड़ा शरीर भी गर्म। सर्दी खांसी, शरीर में दर्द, ये कितने दिनों से है? पिछले 2-3 दिनों से। 15 दिनों से। अभी आप औरंगाबाद से बाहर गए थे? नहीं, मैं तो यहीं पे था। ऐसा हुआ कि आप मैं पिछले 20 तारीख को औरंगाबाद आ गया था। अच्छा और अच्छा 20 तारीख से लगातार यहीं पे। कि दुनिया में अभी कोरोना की लड़ाई को लेकर के ऐसा कोई वैन डेवलप नहीं हुआ है जो लोगों के बीच जा सकता है, लोगों के इलाज में मदद कर सकता है, लोगों को जांच में मदद कर सकता है, क्योंकि भय के बीच में ये कोरोना वॉरियर वैन जो है ये एक बहुत ही निर्भीक कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, निडर कॉन्सेप्ट है कि हम कहीं भी निडर होकर के जा सकते हैं, मरीजों के बीच में जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। दूर दराज इलाकों में भी इस गाड़ी को लेकर के मैं जा सकता हूँ। गवर्नमेंट से मैं यही मांग करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ आनी चाहिए हमारे बीच में जहाँ पे एक बहुत और उत्कृष्ट तरीकों से और प्रैक्टिकल फॉर्म में इस जो ड्राइविंग विंडशील्ड है उस पर और सुदृढ़ सिस्टम इस पर माउंट करें ताकि एक व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति है वो अंदर अच्छे से बात कर सके, मैं उसको देख सकूं, वो मुझे देख सके, और सैनिटाइजेशन और बाकी जो थर्मो सेंसर है वो सब इस पर पहले से माउंट हो और वो कंप्यूटराइज सिस्टम से जुड़ा हुआ हो ताकि उसका टेम्परेचर, उसके बारे बाकी डिटेल्स उसके बोलते के साथ वहाँ सारा नोट हो सके। और मैं बाकी जितनी भी उसकी जानकारियाँ हैं मैं अपने ऑनलाइन सिस्टम से मैं ट्रांसफ़र दूसरे अपने हायर सेंटर को कर सकता हूँ। मैं कहीं जंगल में किसी गांव में गया हुआ हूं तो वहां से सारी जानकारियां मैं लैपटॉप के माध्यम से उसके बात सुन करके उसके रिकॉर्डिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे मैं शेयर और साझा कर सकता हूं। और ये अभी भी मैंने लैपटॉप रखा हुआ अपने कार में, गाड़ी में, वैन में मैं साझा कर सकता हूं, लेकिन सरकार यदि चाहे, सिस्टम यदि चाहे तो इसको और बहुत ही मार्वेलस सिस्टम बना करके लोगों के लिए कोरोना के इस फाइट में, कोरोना पैंडेमिक के फाइट में एक मार्वेलस कॉन्सेप्ट लेकर के आया जा सकता है और इसमें इस लड़ाई में बड़ी जीत हासिल की जा सकती है।